हाँ तो दोस्तों, ये जो आप खूबसूरत सी जगह देख रहे हैं, ये है हमारे दिल्ली का लोधी गार्डन। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं, लोग वॉक पे निकले हुए हैं और यहाँ पर कई सारी इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि यहाँ पे यूज़ फेस मास्क और आसपास गंदगी ना फैलाएं। और यहाँ पर इन लोगों ने मैप दे रखा है कि लोधी गार्डन में आप किस तरह से घूम सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़े एरिया में फैल रखा है। पार्क हैं इसके अंदर, एक गुंबद बने हुए अंदर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बन रखे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, इसकी एंट्री फ्री है और यहाँ आपको अपने आसपास हर जगह हरा भरा गार्डन मिलेगा। बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं इसमें, चिड़ियाएँ हैं, डक्स हैं, जो मैं आपको आगे जाकर दिखाने वाला हूँ वीडियो में। और ये है यहाँ पे का सबसे एंट्रेंस में जब भी आते हैं तो ये गुंबद बना हुआ है और इसके एंट्री गेट बहुत सारे हैं, शायद सात आठ होंगे। और जब हम अंदर गए इस गुंबद के अंदर, तो यहाँ पर पहले से ही शूटिंग चल रही थी। ये बंदे कुछ फ़ोटो वोटो क्लिक कर रहे थे और एक दो कपल्स के शूट भी चल रहे थे। और जब आप यहाँ से साइड पे खड़े होकर बाहर का व्यू देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने अपनी भी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं, लोग इस जगह पर काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। लोधी गार्डन की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप फ़ोटो शूट के लिए आएँ तो अपना फ़ोटो शूट भी कर सकते हैं, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ आएँ तो आप यहाँ पर खूब इंजॉय कर सकते हैं, अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोग कई सारे लोग गेम्स भी खेल रहे हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे अब वीडियो में, यहाँ पर साइड में कपल्स फ़ोटोशूट भी करवा रहे हैं। और अब आप व्यू देखिए इस जगह का, कितना अच्छा और कितना प्यारा है। और यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप हर जगह पे फ़ोटोशूट कर सकते हैं। लोधी गार्डन की एक ख़ास बात ये भी है कि ये 500 साल पुराना है, पर फिर भी ये जगह काफ़ी अच्छे से मेनटेन कर रखी है और इसके जो डिज़ाइंस हैं अभी भी काफ़ी अच्छे से साफ साफ दिखते हैं। और यहाँ दीवारों के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है जो आपकी और मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। और यहाँ पर ये जो जिस जगह पे हम घूम रहे हैं, इस जगह का नाम बड़ा गुंबद है और इसके अंदर इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, ये कब बना, कैसे बना। और ये इस बड़ा गुंबद के बाहर का व्यू है और यहाँ से ये दूसरा वाला गुंबद दिखता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे और थोड़ा कम स्पेस है इसने घेर रखा। और ये आसपास का गार्डन। और देखिए यहाँ पर मैं जैसे आपको फ़ोटो शूट के बारे में कह रहा था, यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो शूट चल रहे थे। और देखिए इसके आसपास का गार्डन और ये इसके सामने वाला जो शीश गुंबद है, ये शीश गुंबद है। और यहाँ पर भी इसके बारे में काफ़ी लंबा लिखा हुआ है, कुछ 1454 के आसपास। और ये इसके अंदर की जगह है, यहाँ पर हमें एक दो चमगादड़ भी दिखी और कबूतर हैं यहाँ पर आसपास में काफ़ी सारे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके अंदर का व्यू दिखाता हूँ। इसके अंदर के व्यू में काफ़ी ऊंचा है और इसमें अंदर की तरफ में बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं। और ये साइड में इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं। तो अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं और आप बाहर निकलेंगे जैसे ही, आपको यहाँ पर कई सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे जो अलग अलग तरीके के गेम्स खेल रहे हैं। कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई रैकेट खेल रहा है, कोई बैडमिंटन। तो अब मैं आपको वहाँ लेके जाने वाला हूँ, जो जगह मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है लेक। और यहाँ पर आपको बहुत सारे डक्स मिल जाएंगे, वाइट कलर के, ब्राउन कलर के। और यहाँ पर ये जो लेक बनी है काफ़ी बड़े एरिए में है और इसका व्यू उससे भी ज़्यादा प्यारा है। यहाँ पर सभी लोग, जितनी भी टेबल्स लगी हैं आसपास, तो वहाँ पर सब बैठे हुए हैं और आराम से बैठकर इस व्यू का आनंद उठा रहे हैं। और कुछ लोग मेरी तरह अपना कैमरा लेकर वीडियो शूट कर रहे हैं और यहाँ पर की सारी चीज़ों को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं अपने कैमरों में। वो देखिए आपको साइड में दिख रहा होगा, वहाँ पर डक हाउस भी है जहाँ पर मैं आपको आगे वीडियो में ले कर जाऊँगा। और ये देखिए, ये बिल्कुल लाइन से बैठे हुए हैं सारे डक्स। और इससे अच्छा व्यू तो कहीं पर हो ही नहीं सकता। नीचे आपके लेक है, आसपास में बहुत सारे पेड़ और ऊपर की तरफ आसमान। जिस तरह यहाँ सब लोग मस्तियाँ कर रहे हैं, उसी तरह यहाँ पर डक्स भी अपनी मस्तियों में लगे पड़े हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि बर्ड्स इन लोधी गार्डन, तो इसमें कौन कौन सी हैं, ब्लू रॉक पिगन, ब्लू थ्रॉट, रोज़ रिंगेड पैरट, और जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला था कि डक का हाउस। तो यहाँ पर ये सारी डक्स रहती हैं और आपको कई बार ऐसा लगेगा कि ये डक्स आपसे कुछ कहना चाहती हैं,
और आपसे बात करने की कोशिश करेंगी। तो अब मैं इनकी बातें समझने की कोशिश करता हूँ और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।